21 अक्टूबर 1943 भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन। स्थान कैथे सिनेमा हॉल सिंगापुर। लोगों से खचाखच भरा हॉल, एक इंच भी स्थान नहीं, परंतु शांति इतनी कि एक सुई के गिरने तक की आवाज स्पष्ट सुनाई दे। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे ये लोग? घड़ी में जरूर शाम के 4:30 बजे थे, परंतु हॉल में उपस्थित लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका सब्र जवाब दे रहा था, तभी मंच पर नेताजी पहुंचे। उन्होंने उम्मीदों से भरे इस हॉल में अपना भाषण पढ़ना आरंभ किया, जो 1500 शब्दों में लिखा गया था। यह भाषण सिर्फ एक घोषणा भर नहीं था, अपितु एक एक शब्द भारत माँ की आन बान शान का द्योतक था, जिसमें 1857 में लड़े गए स्वातंत्र समर की अमर गाथा भी थी, साथ ही स्वतंत्र भारत की ओर बढ़ते कदम की एक महत्वपूर्ण सूचना भी। अस्थाई सरकार की स्थापना की घोषणा करते हुए नेताजी ने कहा, अस्थाई सरकार का कार्य है भारत से अंग्रेजों और उनके मित्रों को निष्कासित करना, जबकि इसका कर्तव्य है कि भारतीयों की इच्छा और विश्वास के अनुरूप आजाद हिंद की स्थायी सरकार का निर्माण करें। उन्होंने भारतीयों से अपील करते हुए कहा, ईश्वर के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर, जिन्होंने भारतीयों को एक सूत्र में बांधकर एक राष्ट्र बनाया, उन स्वर्गवासी वीरों के नाम पर जिन्होंने शौर्य एवं आत्म बलिदान की परंपरा बनाई, हम भारतवासियों से देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने और भारतीय झंडे के नीचे आने का आह्वान करते हैं। आज भी नेताजी की इस अपील को हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार इसी दिशा में काम कर रही है, जिसका संकल्प है सबका साथ सबका विकास। हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है, अब हमारा लक्ष्य है भारत विश्व गुरु कहलाए। यह तभी संभव होगा जब सभी एक विचार होकर देश को आगे बढ़ाएंगे। नेताजी ने अंत में शपथ लेते हुए कहा था, मैं सदैव भारत का सेवक रहूंगा और 38 करोड़ भाई बहनों के कल्याण को अपना सर्वोच्च कर्तव्य समझूंगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भी मैं सदैव भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद बहाने को तैयार रहूंगा। और उनके दिखाए इसी रास्ते पर वर्तमान सरकार चल रही है। मोदी सरकार ने 137 करोड़ देशवासियों को एक परिवार, एक सूत्र में बांधने का काम किया है। भारत की बदलती तस्वीर के चलते विदेशों में चले गए भारतीय वापस लौट रहे हैं, वहीं विश्व की नजरों में भी भारत शिखर पर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मात्र ओजस्वी पूर्ण भाषणों से भारतीयों में क्रांति ज्योति नहीं जलाई, अपितु परतंत्र भारत में भी देश की अपनी सेना तैयार कर अंग्रेजों से लोहा लिया, अंडमान निकोबार द्वीप को स्वतंत्र करवाया। उनके विचार आज भी हमें देश सेवा का मार्ग दिखलाते हैं।